बड़े बड़े बिजनेसमैन व महापुरुषों की जीवनी हिंदी में। दोस्तों, आपके लिए आज हम लक्ष्मी मित्तल जी की जीवनी संक्षिप्त में लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। लक्ष्मी मित्तल भारत के टॉप 10 अमीरों में से एक। जीवन परिचय। लक्ष्मी मित्तल यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीय मूल के दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक है। साथ ही वे अपनी कंपनी आर्सेलर मित्तल के सीईओ और चेयरमैन भी है। उनकी ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील का उत्पादन करने वाली कंपनी है। मित्तल की अपनी कंपनी आर्सेलर मित्तल में 34% और क्वीन पार्क रेंजर एफसी में 34% की हिस्सेदारी है। सन 2007 में लक्ष्मी मित्तल यूरोप का सबसे अमीर हिंदू और एशियाई माना गया। सन 2002 में ब्रिटेन के 8वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता नहीं ली। सन 2011 में फोर्ब्स ने उन्हें विश्व का 6ठा सबसे अमीर व्यक्ति माना था, पर मार्च 2015 में वे बहुत नीचे गिरकर 82वें नंबर पर आ गए। लेकिन फिर भी सन 2013 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल किया था। इसके साथ ही वे विश्व के 57वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और 2015 में उन्हें फोर्ब्स ने सबसे ताकतवर लोगों की सूची में शामिल किया था। उनकी बेटी वनिशा मित्तल का विवाह दुनिया में अब तक का दूसरा सबसे महंगा विवाह माना जाता है। सन 2008 से लेकर वे गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं सदस्य भी है। वे विश्व स्टील संगठन के कार्यकारी समिति, भारतीय प्रधानमंत्री के वैश्विक सलाहकार समिति, तजाकिस्तान के फॉरेन इन्वेस्टमेंट काउंसिल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी है। वे अमेरिका स्थित के लोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के सलाहकार बोर्ड के सदस्य और क्लीवलैंड क्लिनिक के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी है। सन 2006 में द संडे टाइम्स ने उन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर और टाइम्स पत्रिका ने उन्हें इंटरनेशनल न्यूज मेकर ऑफ द ईयर 2006 का सम्मान दिया। सन 2007 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा। प्रारंभिक जीवन और करियर। लक्ष्मी मित्तल ने सन 1957 से 1964 तक श्री दौलत रामन नोपानी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से वाणिज्य में बीकॉम में ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। उनके पिता मोहन लाल मित्तल का इस्पात का व्यवसाय था। उद्योग जगत में पहला कदम भारत सरकार द्वारा स्टील के उत्पादन पर नियंत्रण के वजह से 26 वर्षीय लक्ष्मी निवास मित्तल ने सन 1976 में अपना पहला स्टील कारखाना पीटी इस्पात इंडोनेशिया के सिडेर्जी में स्थापित किया। 1990 के दशक तक भारत में मित्तल परिवार के परिसंपत्ति के रूप में नागपुर में शीट स्टील की एक कोल्ड रोलिंग मिल और पुणे के पास एक लायर स्टील संयंत्र था। आज के समय में मित्तल परिवार का व्यापार, जिसमें मुंबई के पास एक विशाल इंटीग्रेटेड स्टील संयंत्र शामिल है, विनोद और प्रमोद मित्तल चलाते हैं, पर लक्ष्मी का इन व्यवसायों से कोई लेना देना नहीं। व्यक्तिगत जीवन। लक्ष्मी मित्तल का जन्म 2 सितंबर 1950 को हुआ। वे 18-19 सालों में केंसिंगटन पैलेस गार्डन में रहते थे, जिसे उन्होंने 2004 में फॉर्मूला 1 के मालक से लगभग 128 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। उस समय वह विश्व का सबसे महंगा घर माना गया था। ताजमहल को जीन संगमरमर के पत्थरों से सजाया गया है। उन्हीं पत्थरों से उनके पैलेस को भी सजाया गया है। उनकी संपत्ति और सबसे महंगे घर को देखते हुए उनके घर को ताज मित्तल भी कहा जाता था। उनके पैलेस में 12 बेडरूम्स, एक अंदरूनी पूल, तुर्किश बाथरूम और 20 कारों के लिए पार्किंग की सुविधा थी। मित्तल लाक्टो वेजिटेरियन है। बाद में मित्तल ने फिलीपींस के केंसिंगटन गार्डन के 9A पैलेस ग्रीन को खरीदा। उसे उन्होंने अपनी बेटी वनिशा मित्तल, जिसका विवाह अमित भाटिया से हुआ था, उसके लिए 2008 में 70 मिलियन पाउंड में खरीदा। उनका जवई एक महान व्यापारी और मानव प्रेमी था। पूरी तरह से शाकाहारी होने की वजह से मित्तल ने
अपनी बेटी के विवाह में शाकाहारी रिसेप्शन दिया था। मित्तल ने अपने केंसिंगटन पैलेस गार्डन के पास ही लगभग 500 मिलियन पाउंड की संपत्ति खरीद ली। उनकी संपत्ति को करोड़पतियों की कतार भी कहा जाता है। दिसंबर 2013 को उनके भतीजी की शादी है। दिसंबर 2013 को उनके भतीजी की शादी हुई, जिसका उन्होंने 3 दिनों का एक भव्य समारोह आयोजित किया। कहा जाता है कि उस समारोह का खर्चा लगभग प्रति मिनट का 50 पाउंड था। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के सीईओ लक्ष्मी नारायण मित्तल उर्फ लक्ष्मी निवास मित्तल की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। लक्ष्मी निवास मित्तल ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन नागरिकता उन्होंने अभी भी भारत की बनाए रखी है। अपने व्यापार के अलावा लक्ष्मी मित्तल दुनिया के सबसे महंगे मकानों में रहने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हिंदुस्तान के बड़े बड़े महापुरुषों व बिजनेसमैन की जीवनी के साथ साथ विदेशी महापुरुषों के जीवन की संक्षिप्त जीवनी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की जीवनी लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।